this lesson, we are going to learn about concept of marriage. Hindu marriage is sacrament or contract. यानी हिंदू मैरिज एक संस्कार है या संविदा. हिंदू मैरिज इज सैक्रमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज. इन हिंदू रिलीजन मैरिज इज ट्रीटेड एज होली बॉन्ड और यूनियन बिटवीन टू सोल्स. इट इज नॉट जस्ट यूनियन फॉर दिस लाइफ बट ऑल्सो फॉर कमिंग लाइफ एज वेल. मैरिज इज ट्रीटेड एज एसेंशियल संस्कार एज अमंग ऑल 10 संस्कार्स. इट इज एसेंशियल फॉर एवरी हिंदू टू मैरी. मैरिज इज अ सैक्रमेंट. अकॉर्डिंग टू सतपथ ब्राह्मण वाइफ इज कंसिडर्ड एज अर्धांगिनी. सम रिलीजियस ड्यूटीज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड एज अ बैचलर सो एवरी हिंदू मस्ट मैरी टू फुलफिल दोज रिलीजियस ऑब्लिगेशन. मनु सेज हजबैंड एंड वाइफ आर यूनाइटेड टू ईच अदर नॉट ओनली फॉर दिस लाइफ बट आफ्टर द डेथ ऑफ हजबैंड ऑल्सो. दैट्स वाई विडो रीमैरिज वॉज नॉट परमिटेड एट दैट टाइम. हिंदू मैरिज इज ट्रीटेड एज सैक्रमेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स. ये तीन एलिमेंट्स हैं जिसके कारण हिंदू मैरिज को सैक्रमेंट बोला जाता है. परमानेंट एंड इनडिसॉल्युबल यूनियन. इन हिंदू रिलीजन मैरिज इज कंसिडर्ड एज सैक्रमेंटल यूनियन एंड इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड ईजिली. बहुत आसानी से मैरिज के बंधन को नहीं तोड़ा जा सकता. मैरिज इज अ टाई विच वंस टाइड कैन नॉट बी अनटाइड. एटर्नल यूनियन. इन हिंदू रिलीजन मैरिज इज एन एटर्नल यूनियन. मीन्स इट इज नॉट यूनियन फॉर दिस लाइफ ओनली बट फॉर लाइफ टू कम. अकॉर्डिंग टू मनु हजबैंड एंड वाइफ आर यूनाइटेड नॉट ओनली फॉर लाइफ बट आफ्टर डेथ ऑल्सो. हैंस विडो रीमैरिज वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड. होली यूनियन. इन हिंदू रिलीजन मैरिज इज कंसिडर्ड एज सैक्रमेंटल यूनियन एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैरिज इज टू परफॉर्म रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज. बिगेटिंग सन एंड डिस्चार्जिंग हिज डेट टू हिज एंसेस्टर्स. दिस इज द रीजन मैरिज इज कैनॉट टेक प्लेस विदाउट परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रेड राइट्स एंड सेरेमनीज. ये एक होली यूनियन होता है, मतलब एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल ड्यूटी. कुछ मैरिज के बाद ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि करने होते हैं, उसके कारण इसको एक होली यूनियन माना गया है. इन वेंकट चार्यालु वर्सेज रंगा चार्यालु 1980 कोर्ट हैज हेल्ड दैट द पर्सन मैरिड मे बी माइनर और ऑफ अनसाउंड माइंड बट इफ सैक्रेड राइट्स एंड सेरेमनीज आर परफॉर्म द मैरिज इज वैलिड. अब देखें मैरिज इज एज कॉन्ट्रैक्ट. इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट मैरिज इज कंसिडर्ड टू बी कॉन्ट्रैक्ट. दिस इज आउटकम ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड इट्स लॉफ्टी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी. इन सम केसेज इट ऑल्सो इम्पैक्टेड हिंदू लॉ. सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज मैचेज विद द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाइक कंसेंट ऑफ पार्टीज विदाउट फोर्स और फ्रॉड, एज ऑफ मेजॉरिटी, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा. कुछ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को भी हिंदू मैरिज पूरा करता है. Among the three important sacramental elements, first, permanent and indissoluble union is destroyed by the provision of divorce. जो तीन एलिमेंट अभी हम लोगों ने देखे उसमें पहला एलिमेंट तो डिवोर्स से डिस्ट्रॉय हो गया. सेकेंड, eternal union is destroyed by introducing widow remarriage act. The only element is left intact is holy union, which presently exists. सिर्फ एक ही एलिमेंट अब बचा है जो कि होली यूनियन है, जो कि अभी भी चल रहा है. इन भगवती शरण सिंह वर्सेस परमेश्वरी मोहन मनोहर सिंह कोर्ट हैज हेल्ड दैट मैरिज इज नॉट ओनली सैक्रमेंट बट ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट. इन कंक्लूजन वी कैन से दैट हिंदू मैरिज इज नॉट फुल्ली सैक्रमेंटल और कॉन्ट्रैक्चुअल. इट इज यूनिक ब्लेंड ऑफ बोथ सैक्रमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. विश यू हैप्पी लर्निंग. Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.